बोलिए स्पेशल भेज थाली बनाने के लिए हम क्या क्या लिए हैं वो आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे हम लिए हैं एक पैकेट पनीर, अमूल का क्रीम लिए हैं, ये हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। दो प्याज, दो टमाटर, एक इंच का अदरक और दो गांठ लहसुन। तो इन सभी को हम काट लिए हैं, दो प्याज को काट लिए, दो टमाटर को काट लिए बारीक, और यहाँ पे दो कप मटर। पनीर के सब्जी के साथ हम पूरी बनाएंगे, और साथ में आप लस्सी, ठंडाई कुछ भी बनाए। तो मैं ली हूँ दही। तो यहाँ पे कुछ खड़ा मसाला लिए हैं, जो पनीर के सब्जी में हम स्पेशल मसाला तैयार करेंगे, होली स्पेशल सब्जी बना रही हूँ। तो यहाँ पे 4-5 लाल मिर्ची ली हूँ अपने तीखे के अनुसार, और 2 छोटा चम्मच धनिया, 1 चम्मच खाने वाला चम्मच से ये है जीरा, और 1/2 चम्मच काली मिर्च, और 1 चम्मच सरसों। यहाँ पे थोड़ा सा जावित्री का फूल, 3-4 लौंग, और छोटा छोटा 3-4 टुकड़ा दालचीनी का है, 2 इलायची है, और 1/2 प्याज है। इन सबको हम ड्राई रोस्ट करेंगे और उसके बाद इसको पीस लेंगे मिक्सर जार में। तो ज्यादा नहीं, 1/2 प्याज लिए हैं। तो इन सभी को हमें हल्का हल्का भून लेना है। तो कढ़ाई में डालते हैं हम अपना खड़ा मसाला, जो 2 गांठ लहसुन लिए थे वो भी छील के वो भी डाल लेंगे, 1/2 इंच का, 1 इंच का अदरक भी आप डाल सकते हैं इसमें, तो मैं ये 1 इंच का डाल रही हूँ। इन सभी को डाल के हम मसाला को हल्का हल्का भून लेंगे। मसाले में से ना हल्का हल्का खुशबू आने लगेगा, तो मसाले में से ना हल्का चटकने की आवाज़ भी आने लगती है, तो बस इसको नीचे उतार लें। तो फगुनाहट बह रहा है दोस्तों, फगुनाहट, हवा तेज तेज चल रहा है। अब कढ़ाई में डालेंगे सरसों तेल 4 बड़ा चम्मच। मसाले को ठंडा करके मिक्सर जार में पीस लेंगे, इसमें 2 चुटकी नमक भी डाल के पीसेंगे, बिल्कुल बारीक हो जाएगा। डंठल आप तोड़ ले, हम तो तोड़ते नहीं, उसी में पीस डालते हैं। तो इसमें 1-2 चम्मच पानी डालें और पीस लें। अगर आपका मन कर रहा है डंठल हटाने का तो हटा लेने, तो मैं तो पीस देती हूँ। ये देख रहे हैं ये कौन सा पनीर है भाई। तो पनीर का आप छोटा छोटा टुकड़ा काट लें। तेल को अच्छा से गर्म कर लेंगे। तेल इतना गर्म होना चाहिए ना कि इसमें से मतलब धुआं ना निकले, थोड़ा इससे कमी हो, ठीक है दोस्तों। पनीर को फ्राई करेंगे। एक बार हमारे तरीके से बना के देखिए पनीर की सब्जी। जितने भी गेस्ट आएंगे ना आपके घर में, सब पूछेंगे कौन सा मसाला डाले हो। छोटा जार में मसाले को हम पीस लेंगे। तो देखिए पनीर कैसे एकदम गुलाब जामुन के जैसा तल गया है। तेल को निचोड़ के निकाल लेते हैं। 2 तेज पत्ता, 1 मिर्च डाल देंगे तड़का में, 1/2 छोटा चम्मच से कम जीरा डाल के अच्छा से भून लेंगे इसी तेल में। अब यहीं पे कटा हुआ प्याज डाल देंगे अपना। प्याज को लो मीडियम आंच पे अच्छा से गोल्डन ब्राउन करेंगे, आज पे गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। ढक्कन से ढक के जल्दी भूनता है प्याज। जब तक हम आटा गून के रेडी कर लेते हैं, तो पूड़ी के लिए ना टाइट आटा गूनेंगे। तो मैं पूड़ी बना रही हूँ, आप चाहें तो कचौड़ी भी बना सकते हैं। आटा भी गून के तैयार कर रहे हैं। हवा बहुत तेज तेज चल रहा है दोस्तों, चूल्हा नहीं जलने दे रहा है। टाटी ला रहे हैं हम लोग, यहाँ पे लगाएंगे। जो हवा मार रहा ना, चूल्हा नहीं जलने दे रहा। और प्याज देखिए कितना अच्छा धीमी धीमी आंच पे भुन गया है। तो प्याज हमारा भुन गया है, जो मसाले हम पीस के रेडी किए हैं वो डालेंगे यहीं पे। साथ ही में 2 टमाटर डालेंगे, 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे। कि जो जार में ना मसाला लगा रहता है, इस तरीके से हाथों से एक बार करके ढक्कन में भी लगा रहता है, इसको भी इस तरीके से थोड़ा हिला दें, आवड़ा कडावड़ा। उसके बाद इसमें डाल लें, डालने के बाद अच्छा से इसको मिक्स करें और ग्रेवी को अच्छा से पकने के लिए छोड़ दें। टमाटर गल जाएगा, ग्रेवी बन जाएगा। मटर बिल्कुल हरा है, ठीक है। तो हमें मटर डालना था, प्याज हम जब डाले थे ना तभी थोड़ा उन्हें, प्याज जब भून जाएगा उसके बाद, तो मैं भूल गई थी, ठीक है। लेकिन हरा है तो पक जाएगा। तो आप दो मतलब मटर जब ही डालें जब आपका प्याज आधा भून जाए। तो यहाँ पर मैं मटर भी डाल लेती हूँ। अब धीमी आंच पे पका लेते हैं। टमाटर भी गल जाएगा, हमारा मटर भी पक जाएगा। ग्रेवी पक रहा है, बस ऐसे ही हमें इसे लगातार चलाते हुए 5 मिनट तक पकाना है। चलाएं नहीं तो ये नीचे से तल्ला में चिपक जाएगा मसाला, तो टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे कितना बढ़िया मसाले हमारे बिल्कुल तेल छोड़ दिए हैं,
इतना ग्रेवी बनाना है मटर पनीर तो लटपटी बनाऊंगी मैं, ज़्यादा पानी नहीं डालूंगी। अब बस हम ऊपर से ये जो पनीर फ्राई करके रखे हैं ये डालूंगी। अब यहाँ पे हमें मटर के हिसाब से ही डालना है नमक, क्योंकि हम मसाले में दो चुटकी नमक पहले भी डाल चुके हैं, तो नमक आप कम ही डालें, ज़्यादा ना डालें। तो मैं इसमें दो चुटकी नमक और डाल दे रही हूँ। हरा धनिया का पत्ता, और एक चम्मच इसमें हम शहद डालेंगे। आप इसकी जगह पे चीनी भी डाल सकते हैं, बैलेंस करेगा हमारा मटर पनीर को, एक हल्का सा मिठास देगा। आप चाहें तो जैसे कि मैं सरसों के तेल में बनाई थी ना, आप पूरा बटर में भी बना सकते हैं। ज़्यादा देर नहीं रखेंगे हनी डालने के बाद, हम सब्जी को उतार लेते हैं नीचे। हमारा सब्जी ऑलमोस्ट पक के हो गया है रेडी। नहीं तो आप क्या करें कि हनी को ना नीचे उतारने के बाद ही डालें, क्योंकि हनी शायद आप लोग बताते हो दोस्तों कि गर्म में नहीं डालना चाहिए। अब इसमें हम डालेंगे ये अपना क्रीम, यहाँ से डाल रही हूँ, दूसरे जगह से कटिंग की हूँ। दूध की भी मलाई डाल सकते हैं एक दो चम्मच, ये हमारे यहाँ मिल गया था इसलिए ले आए। अब एक दूसरी कढ़ाई रखते हैं चूल्हे पे। अब हमारा भिंडी हम पहले से काट के रखे हैं, आप भिंडी की जगह पे आलू भी ले सकते हैं। तो दो तीन हम हरा मिर्च लिए हैं, इसको काट लेंगे। एक सूखा मिर्च है, इसको भी मोटा मोटा ही काट देंगे। सरसों का तेल डालेंगे दो बड़ा चम्मच। बहुत तेज हवा चल रहा है दोस्तों, दिखाती हूँ पेड़ कैसे झूम रहे हैं। अगर जय कभी गाना कहाँ बज रहा है और हवा से यहाँ सुनाई दे रहा है। देखिए हवा में कितना शक्ति है। तो यहाँ पे हमारा तड़का भुन गया है, तो इसमें हम भिंडी डाल लेते हैं। भिंडी मोटा मोटा ही काटे हैं, इसको ज़्यादा बारीक ना काटे। आलू को भुजिएगा। अब इसको धीमी आंच पे ना भूनेंगे, तो भून लेते हैं 5 मिनट, उसके बाद इसमें नमक ऐड करूंगी। अब इसमें नमक डाल लेंगे हम। नमक डालने के बाद हम इसे ढक्कन लगा के 2 मिनट भून लिए थे। यहाँ पे जो भुजिया है हमारा कितना बढ़िया भून चुका है। ऐसे अब इसमें हम ऑयल डालेंगे। इधर हम मालपुए के लिए घोल तैयार किए हैं, दूध मैदा सूजी और गुड़ डाल। मालपुआ कैसे बनाते हैं आप फुल वीडियो हमारे किचन पर देख सकते हैं, अपलोड है। तो बहुत ही घोल तैयार करने के बाद ना बनाना आसान होता है। कभी भी घोल बना के रख दीजिए, फ्रिज है तो फ्रिज में रख दीजिए, तो मैं फ्रिज में ही रखती हूँ। हमारा जो मालपुआ के लिए ऑयल है ना, नॉर्मल गर्म होना चाहिए, ज़्यादा भी हीट नहीं होना चाहिए। तो ये अभी लगा के गए थे लाला जी, हवा से गिर गया था। बर्तन में डाल के मैं इसको थोड़ा सा फेंट ली हूँ इस तरीके से, और अब मैं मालपुआ बनाऊँगी। एक करछी डालेंगे एक ही जगह पे, धीमी आँच पे मालपुआ को तले। जब तैर के ऊपर आ जाए मालपुआ तो इसको पलट दें, सबसे अच्छा से गोल्डन ब्राउन कर लें मालपुआ को। देख रहे हैं कितना बढ़िया मालपुआ हुआ है। इस तरीके से किसी करछी से दबा के निकाल लें। हम पूड़ियाँ बना लेते हैं। थोड़ा सा परखन लगा के पूड़ी को फटाफट बेल लेते हैं। अब बेल बेल के रख भी सकते हैं और डायरेक्ट इसको तल भी सकते हैं। तलने के लिए तेल गर्म चाहिए। निकाल निकाल के थाली में रखते जाएंगे और सारा पूड़ी को ऐसे तल लेंगे। तो गर्मा गर्म पूड़ी भी तल लिए हैं दोस्तों। तो खाने वाले लोग आ गए हैं दोस्तों, गर्मा गर्म थाली में पूड़ी निकालते हैं। कि जल्दी से आप लोग भी रेडी हो जाइए दिल थाम के। तो आप चाहें तो रायता बनाएं या इस तरीके से दही को फेंट के, और मैं जैसे बना रही हूँ वैसा बनाएं। गर्मा गर्म भिंडी का भुजिया भी है, एक बाउल में रख लेती हूँ। अभी अभी दिल्ली से नया बर्तन आया है दोस्तों, इसमें सब्जी बनाई हूँ मटर पनीर की।
तो फटाफट सर्व कर लेते हैं। इधर सलाद दे दीजिए चाहे ड्राई फ्रूट दे दीजिए। हाँ ब्रोकली भी दो, हेल्दी खाएंगे तो हेल्दी रहेंगे दोस्त। ब्रोकली सलाद। तो दोस्तों यहाँ पे चार गुजिया रख दें लाइन से। तो दोस्तों यहाँ पे चार गुजिया रख दें और ये आपका भेज थाली तो तैयार हो जाएगा। साथ में आप एक प्लेट एक कटोरी पुलाव भी रख सकते हैं। तो हमारा होली स्पेशल थाली बन के तैयार है दोस्तों। मालपुआ भी है और दही भी है और साथ में पनीर की सब्जी, भुजिया, सलाद। और गुजिया नहीं है तो गुजिया अगले साल होली में खिला दूंगी, ठीक है। तो कैसा लगा हमारा भेज थाली बता दीजिएगा। बहुत सिंपल सा थाली है, आप कभी भी बना सकते हैं। तो ले चलती हूँ, देती हूँ अपने घर आए मेहमान को। तो थाली में आप कुछ भी बना सकते हैं जो आपको पसंद हो। मैं एक आपको सिंपल सा थाली बना कर दिखाई हूँ, तो ले कर चलते हैं। मटर पनीर एकदम बढ़िया बना हुआ है, मतलब अलग ही हट के है थोड़ा सा। तो अब हम दिन भर पूरी बनाएंगे, मेहमान आते रहेंगे खाते रहेंगे। तो आप भी इस तरीके से बनाएं, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने घर में ज़रूर बनाइएगा। इस तरीके से पनीर की सब्जी एक बार अपने घर आए मेहमान को खिला के देखिए, उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे। साथ में आप पुलाव भी बना लें समय हो तो। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले होली पे, जब तक के लिए हैप्पी होली आप सभी को।